आज मैं आपको बताऊंगा जो इंटीग्रल कैलकुलस है हमारा बीएससी सेकंड ईयर, इसके एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रेपरेशन करें, कौन कौन से आप चैप्टर्स पढ़ें जिससे आप अच्छे स्कोर भी कर पाएँ और आप इजीली पास भी हो जाएं। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। तो आपको क्लियरली ये तो पता है कि 4 यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। आपको मैं आगे बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ने। देखो, 4 यूनिट्स होते हैं हमारे, ये पहले 3 चैप्टर पहले यूनिट में आते हैं, यही वाला दूसरे यूनिट में आता है, ये तीसरे यूनिट में, फोर्थ यूनिट में। अब देखो, पहले जो 3 चैप्टर्स हैं पहले यूनिट में आते हैं, इनमें से अगर आप या तो आप पहले 2 कर लो या फिर आप ये कर लो, या पहले 2 चैप्टर कर लेना या ये कर लेना, आपकी ऑप्शन बताऊँ ऐसे आपकी है। पहला क्वेश्चन इन दोनों में से होगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन इसमें से होगा। तो ये अकेले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इधर इन दोनों में से 2 आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने प्लस टू में ये दोनों पढ़े होंगे, तो आप इजीली आप में से भी कर सकते हो, वरना अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल करना तो आप ये कर सकते हो। आपको ऑप्शन इस तरह से आएगी, एक दो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आप चॉइस हो, या तो आप ये 2 कर लो या ये वाला। नेक्स्ट इज रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। एक तो ये न्यू टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, या आज से पहले आपने नहीं पढ़ा तो इसमें से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 करने होते हैं, आप रिडक्शन फार्मूला पूरा पढ़ लेना। नेक्स्ट इज इन तीनों में भी ऐसा ही है, पहले जो ये 2 चैप्टर हैं इसकी एक ऑप्शन आती है और एक इसकी ऑप्शन आती है। तो मतलब यूनिट 3 जो ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 में से या तो आप पहले 2 चैप्टर पढ़ लो या फिर ये वाला। इसमें भी वही कंसेप्ट है, ये वाला जो 6 चैप्टर है आपने पूरा प्लस 2 में पढ़ा होता है, ये वाला थोड़ा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब ये आप इजीली कर सकते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर आपकी अपनी इच्छा है, मैं तो अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। या आप ये दोनों पढ़ लो या आप ये वाला पढ़ लो। लास्ट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल तो आपको पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा। अब जैसे कि रिडक्शन फार्मूले, इसके अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं थोड़े जिसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। रिडक्शन फार्मूला अगर आप करना चाहोगे तो आपने स्मॉलर इंडेक्स +1 का क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना, 100% स्मॉलर इंडेक्स +1 का, जैसे साइन कोस वाले होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये सारी कर लेना, साइन एन एक्स की रिडक्शन फार्मूले, कोस एन एक्स जो ये दिए हुए हैं सभी का कर लेना, इनमें से आपका 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्मॉलर इंडेक्स +1 का क्वेश्चन तो 100% आप लिखवा के ले लो। और आपकी बुक के अंदर 4H और 4I करके 2 एक्सरसाइजें होंगी, इन दोनों एक्सरसाइजेज में से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, आप ये 2 एक्सरसाइज भी डेफिनेटली पढ़ लेना। 4G भी पढ़ लेना, 4G में तो स्मॉलर इंडेक्स +1 के क्वेश्चन ही है। तो मतलब ये स्मॉलर इंडेक्स +1 का क्वेश्चन आप इसमें से डेफिनेटली पढ़ लेना, 4H और 4I एक्सरसाइज पढ़ लेना, और ये जो रिडक्शन फॉर्मूला ये पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है और आपने पढ़ा हुआ है। अदरवाइज अगर आप जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ये भी कर लोगे तो अभी अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लो यहाँ से, ये 2 पढ़ लो यहाँ से, तो आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, 3rd क्वेश्चन आप रिडक्शन फॉर्मूले से कर लो अगर आपने ये नहीं भी करना है। तो ये था, आप इस तरह से प्रेपरेशन करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएं और आप इजिली पास भी हो जाएं। थैंक यू।